पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से ही जारी हिंसा की तस्वीरें लगातार बदल रही हैं। बीते 24 घंटों में राज्य के कई इलाकों में 3 और लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 17 तक पहुंच गया है। बीजेपी ने इनमें से 9 को अपने कार्यकर्ता होने का दावा कर रही है। वहीं टीएमसी ने अपने 7 लोगों की बीजेपी के हाथों हत्या का आरोप लगाया है, जबकि एक युवक को इंडियन सेकुलर फ्रंट का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। इसी बीच राज्य के कुछ हिस्सों से तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें भी आई हैं। हालांकि अब इस हिंसा ने सियासी रूप ले लिया है। बीजेपी ने हिंसा के लिए सीधे तौर पर टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया, वहीं टीएमसी इस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। इसी बीच बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर हैं। उन्होंने इस हिंसा में कथित टीएमसी समर्थकों के हाथों मारे गए पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की है। आजाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। दूसरी ओर ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में अपनी शर्मनाक हार पचा नहीं पा रही है, इसीलिए वो सांप्रदायिक हिंसा भड़काकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कराने का प्रयास कर रही है। बीते 24 घंटों के दौरान पूर्व मेदिनीपुर के अलावा पश्चिम मेदिनीपुर, बीरभूम, जलपाईगुड़ी और दक्षिण दिनाजपुर में हिंसा की खबरें मिली हैं। पूर्व मेदिनीपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रलय पाल के मुताबिक टीएमसी कार्यकर्ताओं के अत्याचार से आजीज आकर पार्टी के कई कार्यकर्ता जान बचाने के लिए घर से भाग गए हैं। इलाके में कई जगह घरों में लूटपाट और आगजनी की घटनाएं हुई हैं और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया है। दरअसल बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 213 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 77 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। ऐसे में ये हिंसा बंगाल की राजनीति का क्या रुख बदलती है, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड।